स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों एक समय था जब किसी जंग का फैसला उस जंग में लड़ने वाले योद्धाओं के बाजुओं की ताकत से हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वॉर और वॉरफेयर टेक्निक में ड्रास्टिक चेंज आए। किसी वक्त में तलवार और तीर कमान से किया जाने वाला युद्ध समय के साथ बंदूकों और तोप के गोलियों से होने लगा, और धीरे धीरे वॉरफेयर के इस बदलते नेचर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और केवलर मेड बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसे प्रोटेक्टिव वॉरफेयर टूल्स को जन्म दिया। और आज 21st सेंचुरी में हमारी दुनिया न्यूक्लियर मिसाइल्स और हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से घिरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लेजर गन, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स और साइबॉर्ग या एक्सोस्केलेटन जैसे सुपर एडवांस वॉर टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। 2019 से हमारे DRDO यानी डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और एक्सोस्केलेटन जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इंडिया जैसा एक देश जहां आज भी कई बेसिक लिविंग एमिनिटीज जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ऑल वेदर रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी है, वो क्यों हर साल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर पर स्पेंड कर रहा है। दोस्तों सवाल का जवाब बड़ा सीधा और सरल है। हर देश को अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज और इन बाउंड्रीज में रह रहे लोगों को एक सेफ और सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो देश के अंदर और देश के बाहर से आने वाले खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सके, चाहे फिर वो देश के बाहर से आने वाला टेररिज्म हो या फिर देश के अंदर छुपे नक्सलाइट्स। देश को एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो हमारी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सके। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर साल अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करती है। अगर हम एनुअल डिफेंस बजट की बात करें तो आज इस मामले में इंडिया दुनिया के टॉप नेशंस में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए हमारा टोटल डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का है। सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि किसी भी आने वाली चुनौती का सामना किया जा सके, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कमी के कारण डिफेंस फोर्सेस की सभी जरूरतों को पूरा कर पाना केवल गवर्नमेंट ओन्ड PSUs के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। इन्हीं समस्याओं की वजह से हमारी सरकार डिफेंस सेक्टर में टाटा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन चाहती हैं। इन प्राइवेट कंपनीज के पास ना तो फंड्स की कमी होती है और ना ही स्किल्ड लेबर्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फाइनेंशियल मार्केट तक ये कंपनीज अपने साथ वेरियस फील्ड्स की एक्सपर्टीज भी साथ लेकर आती हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो डिस्कशन इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऐसे ही तीन मेजर प्लेयर्स के अराउंड सेंटर्ड है, टाटा, लार्सन एंड ट्यूब्रो और महिंद्रा, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़े और उभरते हुए सितारे हैं। लेकिन इन सबको देखकर एक बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है कि आखिर जीत किसकी होगी, वो कौन सी कंपनी होगी जो आने वाले वक्त में इंडियन डिफेंस सेक्टर के इस मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस को लीड करेगा, या फिर एक नेशनल लीडर के बजाय ये पूरा सेक्टर इन तीनों कंपनीज के शेयर्ड एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो कौन सी ब्रांड होगी जो आगे आने वाले समय में इंडिया की बोइंग या लॉकहीड मार्टिन बनने की काबिलियत रखती है। लेकिन दोस्तों अपने इस वीडियो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों टाटा, लार्सन एंड ट्यूब्रो और महिंद्रा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के रोल को समझने और कंपटीशन का एनालिसिस करने से पहले चलिए हम इंडियन डिफेंस सेक्टर के एग्जिस्टिंग सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज हिंदुस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स मौजूद है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अलावा CRPF, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज और अंडमान एंड निकोबार कमांड जैसे वेरियस इंटर सर्विस कमांड शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आज इंडिया के पास वर्ल्ड की फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। बजट 2022 और 23 में डिफेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने जो 5.25 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए वो साल 2012 से 22 के मुकाबले 9.8% ज्यादा थे। दोस्तों समझने के पर्सपेक्टिव से हम इंडियन डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को पब्लिक डिफेंस सेक्टर और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं।
पब्लिक डिफेंस सेक्टर हमारे डिफेंस का वो भाग है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। आज इस सेक्टर में डीआरडीओ समेत 16 डीपीएसयू यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काम कर रही हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इन डीपीएसयूज में से कुछ फेमस नाम है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट डिफेंस सेक्टर डिफेंस का वो भाग है जहां गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले डिफेंस मैन्युफैक्चरर लाइसेंस के जरिए प्राइवेट कंपनीज डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज या इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट के लिए डेवलप करती हैं। आज भारत फॉर्ज, रिलायंस, कल्याणी ग्रुप्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड जैसी अनेक कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने वीडियो डिस्कशन के मेन सेगमेंट में चलते हैं और इंडियन डिफेंस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में टाटा, लार्सन एंड ट्यूब्रो और महिंद्रा के करंट रोल को एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जमशेद जी टाटा द्वारा स्टार्ट की गई टाटा इंडस्ट्रीज के साथ। दोस्तों, अगर हम यूं कहें कि आज इंडिया में मौजूद सभी कंपनीज के बीच वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में टाटा का इतिहास सबसे बड़ा और पुराना है तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। टाटा और मॉडर्न वॉर्स की कहानी 1 सितंबर 1939 में छिड़े दूसरे विश्व युद्ध के साथ शुरू होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन के पास गन्स और एम्युनिशन जैसे वॉर सप्लाईज की भारी कमी हो गई थी, तब टाटा ही वो कंपनी थी जिसने अपने पूरे स्टील आउटपुट को जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन की मदद के लिए भेज दिया था। आजादी के बाद 1958 से टाटा ग्रुप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ा रहा। मोबिलिटी कैरियर के रूप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के अलावा टाटा ग्रुप ने कई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी हमारे देश की सेना को समर्पित किए। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर में भी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही वो कंपनी थी जिसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिमांड्स को फुलफिल किया था। कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन ट्रूप्स और एम्युनिशन के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए गए ट्रक्स को टाटा ने ही मैन्युफैक्चर किया था, जिस वजह से जंग के दौरान सप्लाईज की मोबिलिटीज फ्लॉलेस रही जो युद्ध में पाकिस्तान को हराने में मददगार साबित हुई। दोस्तों, समय के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बढ़ती हुई नीड के कारण टाटा ग्रुप ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सेपरेट यूनिट प्रिपेयर कर ली है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL टाटा ग्रुप की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जो इंडियन एरोस्पेस, डिफेंस, मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में काम कर रही है। TASL को साल 2007 में शुरू किया गया और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है। TASL के डिफेंस सेक्टर की शुरुआत साल 2008 में हुई जब उन्होंने एक जॉइंट वेंचर के तहत अमेरिकन कंपनी सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर डोमेस्टिक और मिलिट्री पर्पस के लिए S-92 हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू किया। इस जॉइंट वेंचर के तहत साल 2010 में हैदराबाद के अंदर $200 मिलियन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, S-92 अमेरिकन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुपर हॉक हेलीकॉप्टर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यूटिलिटीज या ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। साल 2012 में TASL ने अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एक और जॉइंट वेंचर शुरू किया और C-130 हरक्यूलस जैसे एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पहली बार इंडिया में शुरू हुई। इस जॉइंट वेंचर की वजह से टाटा वो पहली कंपनी बनी जिसने डिफेंस फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए 4-इंजन टर्बो प्रॉप बेस्ड हरक्यूलस एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया। साल 2015 में TASL ने यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस और स्पेस के साथ पार्टनरशिप में EADS कासा C-295 लाइट कार्गो फ्लीट पर काम शुरू किया और इंडियन एयरफोर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड 40 एयरक्राफ्ट सप्लाई किए। रिसेंटली TASL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत अब TASL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री मिलकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्विलेंस पर्पसेस के लिए अनमैंड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs बनाएंगे। इन सब के अलावा TASL बॉर्डर सिक्योरिटी सेंसर से रिलेटेड डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड कर रही है। यानी अगर बात मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर की हो या फिर बात हो मोबिलिटी सॉल्यूशंस की, तो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में टाटा से बड़ा कोई नाम नहीं है। खैर, आइए अब चलते हैं अपने अगले कॉम्पिटिटर यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड ट्यूब्रो जिसे L&T के नाम से भी जाना जाता है, एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। वैसे तो L&T की शुरुआत अर्ली 50s में हुई जब डेनमार्क से भारत आए दो रेफ्यूजीज हेविंग हॉल्क लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन ट्यूब्रो ने इस कंपनी को शुरू किया। मुंबई बेस्ड ये कंपनी आज अपनी 118 सब्सिडरीज के साथ इंडिया में काम कर रही है। आज L&T इंजीनियरिंग,
कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसी फील्ड्स में भी काम कर रही है। डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट और सप्लाई के मामले में आज लार्सन एंड ट्यूब्रो देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। L&T का डिफेंस, एरोस्पेस और नेवल आर्म पिछले 30 सालों से इंडियन डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। आज L&T का एरोस्पेस आर्म मिलिट्री सर्वेलेंस से लेकर मिलिट्री स्ट्राइक के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। मिलिट्री सर्वेलेंस सिस्टम के अलावा L&T का एरोस्पेस आर्म हमारे आउटर स्पेस प्रोग्राम्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि साल 2013 में लॉन्च हुए मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन और साल 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान 2 मिशन में लार्सन एंड ट्यूब्रो के एरोस्पेस आर्म ने इसरो के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स में काम किया था। साल 2020 में लार्सन एंड ट्यूब्रो की डिफेंस आर्म और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पिनाका मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड 4 की रेजिमेंट्स की सप्लाई का जिम्मा भी लार्सन एंड ट्यूब्रो की डिफेंस आर्म को दिया गया। दोस्तों, पिनाका एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे हमारे DRDO ने L&T के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है, जो अपने आप में इस सिस्टम को इतना खास बनाता है। लेकिन L&T के डिफेंस आर्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन आर्मी के लिए K9 वज्र का डेवलपमेंट। दोस्तों, K9 वज्र एक ट्रेडिशनल होवित्ज़र का मॉडर्न मूवेबल रूप है। होवित्ज़र कैनन यानी टॉप की तरह दिखने वाला एक वेपन होता है। इसका इस्तेमाल हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे शेलिंग के लिए किया जाता है। लास्ट ईयर 2021 में L&T ने अपना 100th K9 वज्र होवित्ज़र इंडियन आर्मी को डिलीवर किया। डिफेंस और एरोस्पेस फील्ड के अलावा L&T ओशन डिफेंस फील्ड से रिलेटेड भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिजाइन और डेवलप कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स में फ्रंटलाइन वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ऑक्सिलरी वेसल्स और स्पेशल नेवल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत को बनाने में भी L&T ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रिसेंटली मार्च 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री और L&T के बीच 887 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी के मैरीटाइम सर्विलेंस और पेट्रोलिंग पर्पस के लिए L&T इंडियन नेवी को 2 मल्टी फंक्शनल वेसल्स तैयार करके देगा। इस सब के अलावा आज L&T के इंजीनियर्स अपनी एक्सपर्टीज की मदद से इंडियन नेवल शिप्स पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल और लॉन्चर्स को भी डेवलप कर रहे हैं। यानी अगर बात मेड इन इंडिया सबमरीन्स या नेवल वेसल्स की हो तो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में L&T एक मजबूत पकड़ रखता है। आइए अब हम अपने तीसरे कॉम्पिटिटर की ओर चलते हैं, द महिंद्रा ग्रुप। दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप की शुरुआत साल 1945 में हुई थी, जब ब्रिटिश पंजाब में जन्मे दो भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने इस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से एस्टैब्लिश किया। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड हुई कंपनी आज ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, एग्री बिजनेस, डिफेंस और एनर्जी जैसी फील्ड में 100 से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी महिंद्रा ग्रुप द्वारा फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी MDSL यानी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को दी गई है। आज MDSL हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कोई ना कोई इक्विपमेंट और सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रही है। इंडियन आर्मी के लिए मॉडर्न वेपनरी से लेकर रिमोट व्हीकल्स तक, इंडियन एयरफोर्स के लिए रडार से लेकर मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम तक, इंडियन नेवी के लिए टॉर्पीडो जैसे अंडर वाटर वॉरफेयर इक्विपमेंट से लेकर सबमरीन तक महिंद्रा डिफेंस लिमिटेड इस इंडस्ट्री के हर एक एरिया में मौजूद है। साल 2018 में महिंद्रा और इजरायली एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इस MOU के तहत महिंद्रा एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर अनमैंड एरियल व्हीकल ऑर्बिटर 4 के मैरीटाइम वर्जन पर काम शुरू किया, ताकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी नेवल फोर्सेज द्वारा किया जा सके। साल 2018 में ही महिंद्रा ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल वेदर ऑल टेरेन इंडिजिनस मोबाइल प्लेटफॉर्म MSPS प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। ये एक मल्टी सेंसर्स इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इनबिल्ट प्लेटफॉर्म था, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस सर्विलेंस के लिए कर सकती थी। साल 2021 में ही महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 1350 करोड़ का एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत इंडियन नेवी के मॉडर्न वॉरशिप्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट यानी कि IADS को डेवलप करने का काम शुरू किया। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा किस तरह महिंद्रा सालों से हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडियन आर्मी के लिए
आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने के मामले में आज महिंद्रा की डोमिनेंस है। इंडियन आर्मी के मोबिलिटी व्हीकल्स की मैक्सिमम डिमांड को आज महिंद्रा ही पूरा कर रहा है। पिछले साल 2021 में महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच 1056 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इंडियन आर्मी की रिकॉग्निशंस और वेपन कैरियर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आर्मर्ड टैक्टिकल व्हीकल्स और लाइट स्ट्राइक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। यानी अगर बात मेड इन इंडिया आर्मर्ड व्हीकल्स की हो तो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में महिंद्रा की अपनी एक अलग पहचान है। दोस्तों वैसे तो आज चाहे टाटा हो, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो या फिर महिंद्रा हो, हर कंपनी अपने अपने तरीके से देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने का काम कर रही है। इन कंपनीज के अलावा और भी कई ऐसे प्राइवेट फर्म्स हैं जो इंडियन डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने केवल उन कंपनीज को चुना जो इस रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं। आज ये तीनों ही कंपनीज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा यूज की जाने वाले वेरियस इक्विपमेंट और सिस्टम्स को डेवलप करने में गवर्नमेंट एजेंसीज का भरपूर साथ निभा रही हैं। लेकिन अगर हम इन कंपनीज के करंट वर्किंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें तो ये पाएंगे कि जहां एक तरफ टाटा अनमैंड एरियल व्हीकल जैसी टेक्नोलॉजी में L&T और महिंद्रा से बेहतर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले आर्मर्ड व्हीकल की रेस में टाटा एंड L&T को बहुत पीछे छोड़ रही है। अगर हम इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि वेपन्स या व्हीकल्स की बात करें तो महिंद्रा का पलड़ा भारी नजर आता है। वहीं इंडियन एयरफोर्सेस से रिलेटेड इक्विपमेंट जैसे कि एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट में टाटा आगे नजर आता है। और अगर बात इंडियन सबमरीन्स या वेसल्स की हो तो L&T बाकी दोनों कंपनी से बेहतर है, जहां एक तरफ L&T मंगलयान और चंद्रयान 2 जैसे प्रोजेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज और रिसोर्सेस को इसरो के साथ शेयर करके देश को आउटर ऑर्बिट में मजबूत बनाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा MSPS प्लेटफॉर्म जैसे सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए देश के इनर ऑर्बिट को मजबूत बनाने में लगी हुई है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2025 तक डिफेंस प्रोडक्शन से $25 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट सेट किया है। इसमें $5 बिलियन डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट से जनरेट होंगे। लेकिन इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट PSUs के पास ना तो रिक्वायर्ड फंड्स हैं ना ही रिक्वायर्ड रिसर्च। फंड्स और रिसर्च की कमी की वजह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर पाना लगभग मुमकिन है। ऐसी स्थिति में सरकार की इस मुहिम को पूरा करने के लिए टाटा, महिंद्रा एंड L&T जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। अब टाटा, L&T और महिंद्रा में सबसे आगे कौन बढ़ता दिखेगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, गवर्नमेंट के इन टारगेट्स को अचीव करने में ये सभी प्राइवेट प्लेयर्स अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जैसी इमेंस डिमांड्स को ये प्राइवेट प्लेयर्स इजिली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी पूरा कर सकते हैं। ये प्राइवेट प्लेयर्स ह्यूज फंड्स के अलावा अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स को भी साथ लेकर आएंगे, जो हमारे डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा रोबस्ट, डायनेमिक और प्रिसाइज बनाएगी। इन प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट PSUs के वर्किंग एफिशिएंसीज की वजह से पास्ट में हुए कावेरी इंजन फेलियर जैसे इंसिडेंसेस को भी रिपीट होने से रोकेगा। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन से देश को मिलने वाले फायदों का जीता जागता उदाहरण USA और फ्रांस जैसी कई इकोनॉमीज हैं। अपने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने से ना सिर्फ आज आर्म्स एंड एम्युनिशन की रेस में ये देश दुनिया के सुपर पावर्स के रूप में उभर के सामने आए हैं, बल्कि इन प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से इन देशों ने कॉस्ट सेविंग के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बचाए हैं। आज इन देशों में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जैसी प्राइवेट कंपनीज देश के डिफेंस सेक्टर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इन देशों की तरह इंडिया भी अपने हिडन पोटेंशियल को टाटा, महिंद्रा, रिलायंस या L&T जैसे प्लेयर्स की मदद से फुली यूटिलाइज कर सकता है। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री ना सिर्फ किसी देश को ज्यादा सुरक्षित बनाती है, लेकिन साथ ही उस देश को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराती है। डिफेंस इंडस्ट्रीज देश में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करेंगी। इन सब के अलावा ये इंडस्ट्रीज न्यू एंटरप्राइजेस को सपोर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी के लेवल को भी राइज करेंगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। दोस्तों इन सब के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे आज के अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारी आर्म्ड फोर्सेस का आर्म्स इंपोर्ट पर निर्भर करना देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसका हालिया एग्जांपल हमने इंडो चाइना डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा था, जब हमें क्राइसिस के तहत इमरजेंसी परचेजेस करने पड़े थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के इंडिजिनस कंपनीज का डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होना आने वाले समय में हमारे देश को आर्म्स और एमिनेशन में भी आत्मनिर्भर बनाएंगे।
इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में दुनिया भर के देश इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में आने वाले समय में हम इंडिया को आर्म्स इंपोर्टर की जगह आर्म्स एक्सपोर्टर के तौर पर उभरता हुआ देखेंगे। साथ ही हमारे देश की बढ़ती हुई मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर प्रमोट करने में हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडिया की प्राइवेट फर्म्स इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, और ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है जिसमें कुछ मेजर प्लेयर्स के बारे में हमने बात करी। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई रेस नहीं है जिसमें एक कंपनी का जीतना ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज को साथ आके इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट करके उनमें बेहतर काम करना होगा। और इसी इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट के बाद हम अपने देश के प्राइवेट फर्म्स के इन्वॉल्वमेंट को अपने डिफेंस सेक्टर में सफल मान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के पहले भाग में बताया था कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, टू अचीव $5 billion इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाई 2025, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू बी क्रिटिकल इन डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया, कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।